ये जो फिल्म मैंने बनाई है इसका दरअसल बीज जो है ना वो मेरे माता पिता है, वो जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए और जो हमने पूजा पाठ बचपन से जानी है की है, ये वो संस्कार हैं जिन्होंने एक तरह से विवश कर दिया कि मैं अपने माता पिता का कर्ज अगर चुकाना है मुझे, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, तो मुझे ये फिल्म हिंदुत्व बनानी ही चाहिए। तो बस ये फिल्म का जन्म इस तरह से हुआ और मेरे पिताजी राजेंद्र कृष्ण राजदान, पंडित राजेंद्र कृष्ण राजदान, वो मुझे गीता पढ़कर सुनाते थे और हम कश्मीरी पंडित हैं, सारस्वत ब्राह्मण हैं, तो हमने बचपन से गीता, हमने वेद और पुराण बहुत सुने हैं, पढ़े हैं और हिंदुत्व का जन्म हो गया। अब इसे अगर दुनिया समझे कि ये कोई कंट्रोवर्सी के लिए बनाई गई है तो माफ करिएगा, कंट्रोवर्सी क्लियर करने के लिए बनाई गई है। आपके हिसाब से हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है, क्योंकि ये चर्चा पूरे देश भर में हो रही है? मेरे हिसाब से तो हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व ये सब एक ही बात है, एक ही चीज़ है। ये तो सिर्फ अलग अलग तरीके हैं इस सनातन धर्म को बताने के या उसको शीर्षक देने के, वरना माफ करिएगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बोलती रहती हैं कि हिंदुइज्म अलग है और हिंदुत्व अलग है, तो उनको तो वाकई अपना मतलब दिमाग चेक करवाना चाहिए। हिंदुइज्म का लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? हिंदू धर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू हिंदू तो धर्म ही नहीं है, ये तो एक जीने का तरीका है, सनातनी जीने का तरीका। तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन जो हिंदुइज्म का है वो हिंदुत्व है। तो आप इसमें भी अब विभाजन करोगे आप? तो ये वोट बैंक की राजनीति है जिसने हिंदुत्व शब्द को इतना बुरा और उग्रवादी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। और ये फिल्म ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रम, गलत जो इन्होंने फैलाया है हिंदुत्व के बारे में, उसे सही करेगी। हिंदुत्व की कास्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल जो मेरी कास्ट है, आशीष शर्मा, तो पहली बार जब आया था मेरी ऑफिस तो उसने दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, शायद यूं ही चला आया था, और उसे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वही मेरा भरत शास्त्री बनेगा। तो मैंने कहा कि भैया तुम ये ज़रा मेरी स्पीच ले जाओ, अपने डायलॉग्स ले जाओ और थोड़ा से रिहर्स करके मुझे भेज देना। तो उसने कहा सर भेजूंगा नहीं, मैं यहीं आके आपको सुना दूंगा आपकी ऑफिस में। मैंने कहा चलो, ये एक नया तरीके का स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा। करते करते वो कास्ट तो हो गया, क्योंकि वो कमाल का एक्टर है और भरत शास्त्री का रोल भी उसने बखूबी निभाया। बाद में जब आधी से ज़्यादा शूटिंग खत्म हो चुकी थी तो उसने बताया कि मैं संघ परिवार के स्कूल में भी पढ़ा हूँ बचपन में, क्योंकि उसके पिताजी जो हैं आईएएस ऑफिसर थे, तो दूर दराज इलाकों में पोस्ट हुए थे, तो वहाँ संघ का स्कूल था। तो देखिए किस तरीके से, मैं तो कहूँगा कि प्रकृति चाहती थी कि आशीष शर्मा ये रोल करे भरत शास्त्री का। उसका चुनाव मैं सिर्फ माध्यम हूं, वरना उसका चुनाव जो है वो प्रकृति ने कर लिया था। इस साल जिस तरह कश्मीर फाइल चली है, कार्तिकेय 2 चली है, क्या अब इसी तरह की फिल्में चलेंगी, इसलिए आपने हिंदुत्व बनाई? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम क्रिएटिव लोग होते हैं, हम सिर्फ एक आईना होते हैं, हम सिर्फ जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है उसको मिरर करते हैं,
हम उसका अक्स है, उसकी परछाई है। तो आज अगर टेलीविजन आप खोल लीजिए, पेपर उठा लीजिए, हर जगह अगर हिंदुत्व 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 की चर्चा चल रही है, तो फिर लोग फिल्में भी तो उसी तरह की देखना चाहेंगे ना। हाँ, फिल्म में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, फिल्म में इमोशन होना चाहिए। जिस तरह मेरी फिल्म थी दिलवाले थी, दिल जले थी, कयामत थी, त्रिमूर्ति थी, इमोशन था तब चली वो फिल्म। इस फिल्म में इमोशन है, दोस्ती का इमोशन है, प्रेम का इमोशन है, प्यार का, लव स्टोरी है। और इस सब के पीछे चला आ रहा है हिंदुत्व, और हिंदुत्व का सही सार क्या है, अर्थ क्या है। सर, ट्विटर पे ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हिंदुत्व को इस फिल्म में काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, मगर किसी और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और ये भी पूछा जा रहा है कि आप मुसलमान होते हुए हिंदुत्व के बारे में क्या जानते हैं। देखिए भाई, अगर मुझे कुछ लोग समझते हैं ये राजदान सरनेम के कारण कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि दरअसल 500,000 साल पहले हम रैना थे, तो मेरा नाम करण रैना होना चाहिए था। लेकिन शायद हमारे किसी पूर्वज की दोस्ती किसी वहाँ के कश्मीर के राजा के साथ थी। अब वो राजा के बड़े करीब थे, दोस्त थे, तो अक्सर वो होता है ना कि राज बताते हैं आप अपने, जब दोस्ती बहुत होती है घनिष्ठ। तो उन्होंने कह दिया हमारे उस पूर्वज को कि आप हमारे राजदा हैं। अब ऐसा चिपका राजदा कि उन्होंने अपनी सरनेम ही राजदा कर दी, और शायद वो राजदा के नाम से जाने गए। उसके बाद एक जो है, हम तो वो क्या है कि वो होती है ना ट्रिब्यूटरीज, बड़े पीढ़ी दर पीढ़ी फिर हम सब राजदा कहलाने लगे। दरअसल मेरा नाम करण रैना होना चाहिए था, और मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और मैं सरस्वत ब्राह्मण हूँ। मुझसे पूछा कि आप हिंदू धर्म को बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं इस फिल्म में, तो क्या हम दूसरे धर्मों को नीचा दिखा रहे हैं? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, सभी दर्शकों से सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मैंने ये कह दिया कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसका मतलब ये तो मैंने नहीं कहा ना कि आप बहुत बुरे आदमी हैं या बुरे इंसान हैं। तो हम ये एक सेलिब्रेशन है, हिंदुत्व एक सेलिब्रेशन है, ये फिल्म एक सेलिब्रेशन है। जिस सनातनी धर्म में हम पैदा हुए हैं या जिसको हम जी रहे हैं, ये उसका एक जलसा है। तो हम किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखा रहे, हम तो बस कह रहे हैं कि भाई ये है हिंदुत्व, इतना सुंदर है, खूबसूरत है, ध्यान करते हैं इस हिंदुत्व में, इतना योग है। तो हम तो किसी धर्म को नीचा दिखाना कभी नहीं चाहेंगे। सर, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सोनी राजदान के भाई हैं, इसलिए आपका रिश्ता महेश भट्ट और आलिया भट्ट से भी है, इसलिए आपकी फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी करेगी ही करेगी। देखिए, सोनी राजदान को विकिपीडिया पे गलती से मेरी बहन बताया गया है। मेरी एक ही बहन है, उसका नाम है नीता, नीता बसन, और वो कनाडा में रहती है। मेरा और कोई ब्लड रिलेटिव इस इंडस्ट्री में नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये सब बहुत दिग्गज लोग हैं भाई, भट्ट साहब वगैरह, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, और मैं अकेला हूँ इस इंडस्ट्री में। हमें कोई लाया नहीं, हमारे कोई पूर्वज नहीं थे, मतलब ना के बाप, ना के दादा, ना के सा, ना के कोई, तो हम अकेले हैं, और हम हिंदुत्व अपने बल पर बना रहे हैं।